और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, समान तौर पर लोग खर्च करते हैं तो कंपनियां कमाती है, ये ट्रेंड लेकिन बहुत अगर दूसरे तरीके से देखें तो अगर कंपनियां लोग खर्च करते हैं तो कंपनियां कमाती है, और उन कंपनियों को शेयर खरीदेंगे तो वापस से कमाई होगी, वापस से आप खर्च कर सकते हैं। आप जिस तरह से भारत में खपत का ट्रेंड बढ़ा है, ये क्या सब बताता है, और वैसी कौन सी 4 या 5 कंपनियां हैं जो अब जिस पे नज़र रखनी चाहिए खासतौर पे, जिसमें खपत का फ़ायदा होता हुआ दिखेगा? देखिए, कुछ दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए थे और ज़्यादातर जो ब्रोकिंग हाउस या तो फिर जो एजेंसीज हैं उनका मानना है कि आगे जीडीपी ग्रोथ में सुधार देखने को मिलेगा, और शायद कंजम्पशन एक ऐसा एंगल या तो फिर एक स्टोरी हो सकती है जो कि इस जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है। तो हो सकता है कंजम्पशन ड्रिवन रैली बाजार में देखने को मिले, और कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि इस रैली में बाजार को आउट परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें 18 से 37 साल का जो एक युवा वर्ग है इंडिया में, वो करीब 1/3 पॉपुलेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और यही हो सकता है कि जो अगली एक कंजम्पशन ड्रिवन रैली है उसको कहीं ना कहीं प्रोपेल करता हुआ दिखेगा। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके मुनाफे में अगर आप देखें FY18 में ही करीब 12 से 30% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि ये सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले बेटर रिटर्न दे सकती हैं। जिन 5 कंपनियों की आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है आयशर का एक ऑटो प्ले है। ये कंपनी रॉयल एनफील्ड नाम से मोटरसाइकिल बनाती है, जो कि इंडिया में हार्ले डेविडसन के नाम से भी जानी जाती है। 250cc प्रीमियम सेगमेंट में इस कंपनी की मजबूत पकड़ है, 95% ज्यादा का इस कंपनी का मार्केट शेयर है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में, और जिस तरह की स्टाइलिंग है एक अलग रुतबा इस पूरी इंडस्ट्री में ये रखती है, और हो सकता है कि कंपनी में FY18 में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और सेंसेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न कंपनी डिलीवर कर सकती है, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। चाय शेयरों की बात आप करें थे तो मैं टाटा ग्लोबल का नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। टाटा टी एक ब्रांड तो है ही, लेकिन ग्रीन टी सेगमेंट में टेटली के नाम से इनका एक मजबूत ब्रांड है, और जिस तरह से एकदम से स्टोरी को प्ले करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। खपत का हर सेक्टर बता दिया, कोई भी ऐसा सेक्टर जो ना छूटा हो, सब में खाने पीने घूमने मनोरंजन सबका आपने बता दिया। क्या राय होगी टाइटन, तलवरकर्स, वंडरला हॉलीडे, यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसे स्टॉक्स में से, इन 5 स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स में कोई और कोई शेयर पसंद है क्या आपको आशीष? हाँ, डेफिनेटली मनीष जी, इन पांचों में सॉरी जो लास्ट 4 में हमने 4 के बारे में डिस्कशन किया अभी, उसमें से 2 स्टॉक मैं मानता हूँ कि एक अच्छे खासी रिटर्न हमें दे सकते हैं, और दोनों में से किसी को पहली प्रायोरिटी देना है तो मैं टाइटन को दूंगा पहली प्रायोरिटी। टाइटन का चार्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनवरी 2015 में जो स्टॉक बनाया था उसके बहुत नजदीक है हम। जनवरी 2015 के बाद हमने वापस सेप्टेम्बर 2016 में सेम टॉप बनाया था और हम उसके बहुत ही नजदीक है। अगर ये टॉप टूटता है तो ये जो स्टॉक है वापस नो रेजिस्टेंस जोन में जाएगा और ऊपर की कोई लिमिट ही नहीं होगी इसके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन होगा इस स्टॉक के लिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। करीबन 424 का ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो छोटा रेजिस्टेंस है वो 457 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो ये बहुत ही अच्छा आरओआई देने वाला स्टॉक साबित होगा। फिलहाल बाय करें, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करूंगा 410 के ऊपर, पर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर रखें और अच्छा मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे।